तिरंगा रैली आगाज के साथ देश भर में आजादी का जश्न। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में लहराया झंडा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदली अपनी डीपी। स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले पर जवानों का फुल ड्रेस रिहर्सल, जवानों में दिखा जोश, कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच होगा कार्यक्रम। आमजन के लिए दो बार खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, 16 अगस्त से 17 सितंबर तक खुलेगा अमृत उद्यान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल करेंगे उद्घाटन, उद्यान के अवलोकन के लिए होगी ऑनलाइन बुकिंग। छात्र संघ चुनाव पर रोक के बाद आरयू के बाहर हंगामा, हिरासत में ले गए कई छात्र नेता, मुख्यमंत्री आवास पहुंचा डेलीगेशन, बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश। राजस्थान के 9 जिलों में खुलेंगे 10 अल्पसंख्यक छात्रावास, मुख्यमंत्री गहलोत ने दी मंजूरी, 50-50 सीट की रखी गई छात्रावास की क्षमता। जल्द होगी राजस्थान कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक, 3-3 उम्मीदवारों के नामों के पैनल बनाने का प्रस्ताव होगा पारित, स्क्रीनिंग कमेटी को भी दिया नामों का पैनल तैयार करने का टास्क। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देर रात की समीक्षा बैठक, विजन 2030 को लेकर चली बैठक, सीएस उषा शर्मा सहित कई पदाधिकारी रहे मौजूद। विधायकों को लग्जरी फ्लैट की सौगात, विधायक आवास योजना का मुख्यमंत्री गहलोत ने फीता काटकर किया शुभारंभ, लग्जरी आशियानों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अधिवक्ताओं से संवाद, कहा लोकतंत्र में वकीलों का अहम योगदान, मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार को लिया आड़े हाथ, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। भाजपा का मिशन राजस्थान, प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने ली अहम बैठक, सीपी जोशी राजेंद्र राठौड़ रहे मौजूद, चाकसू में बूथ विजय संकल्प बैठक का भी आयोजन। राजस्थान भाजपा का बढ़ा कुनबा, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से जुड़े कई नेताओं ने थामा भाजपा का दामन, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह ने करवाई सदस्यता ग्रहण। नागौर के डीडवाना में बड़ा सड़क हादसा, बस की टक्कर से कार के उड़े परखच्चे, हादसे में कार सवार 7 लोगों की मौत, एक ही परिवार के सभी मृतक, मुख्यमंत्री गहलोत ने व्यक्त की संवेदना डीडवाना सड़क हादसे में। सिकंदरा और सिकराय दौरे पर मंत्री ममता भूपेश, बालिका राजकीय उच्च माध्यमिक सिकंदरा में आयोजित सावन महोत्सव कार्यक्रम में का किया उद्घाटन, इस दौरान कार्यक्रम में जिला प्रमुख हीरालाल सैनी सहित कई पदाधिकारी रहे मौजूद। झुंझुनू में बुहाना के सहड़ गांव में ज्वेलर्स को मारी गोली, बाइक सवार दो बदमाशों ने ज्वेलर राहुल सोनी पर की फायरिंग, गोली लगने से ज्वेलर राहुल सोनी हुआ घायल, पुलिस कर रही मामले की जांच। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बिजली विभाग की अव्यवस्थाओं का शिकार हो रहे किसान, लो वोल्टेज और बार बार होने वाली कटौती से किसान परेशान, समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। जोधपुर में लूणी के दुदिया में सरकारी विद्यालय के भवन को गया डंपर ने टक्कर मारकर किया क्षतिग्रस्त, जोरदार टक्कर से भवन में लगे पत्थर गिरे नीचे, ग्रामीणों ने विरोध जताकर कार्रवाई की करी मांग। टोडा भीम दौरे पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव सरलेश सिंह, कार्यकर्ताओं के लिए बैठक, टोडा भीम जाते वक्त कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। धौलपुर में कंचनपुर के नगला विधोरा एनीकट में मिला युवक का शव, मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को निकाला बाहर, मामले की जांच कर रही पुलिस। नवगठित बालोतरा जिले के कप्तान हरिशंकर ने बालोतरा थाने की औचक निरीक्षण, एसपी ने थाना अधिकारी से ली अपराध पुस्तिका और निस्तारण की जानकारी, क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। बीकानेर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर, डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा समारोह, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने ध्वजारोहण कर परेड का किया निरीक्षण। 12 के अंतम में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हत्या के आरोप में पति पत्नी किया गिरफ्तार, दोनों ने मिलकर पड़ोसी महिला को उतारा था मौत के घाट, इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। सीकर के अजीतगढ़ में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉक्टर मंगल यादव की तिरंगा रैली, रैली रवानगी से पूर्व ही अव्यवस्था की हुई शिकार, जयपुर अजीतगढ़ हाईवे पर रेंग रेंग कर निकल रहे वाहन, आम यात्रियों को हो रही परेशानी। चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग पर यूआईटी की ओर से फसाड़ लाइट लगाने का कार्य जारी, अभी से ही जगमगाने लगा दुर्ग, आने वाले समय में रात्रि में बढ़ेगा पर्यटकों का ठहराव।
अजमेर में पुलिस लाइन में आयोजित होगा स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह। आज हुई अंतिम रिहर्सल, एसपी चूनाराम जाट ने तिरंगा फहराकर परेड का किया निरीक्षण। नवसृजित जिले डीग में डॉक्टर मानसिंह को लगाया गया सीएमएचओ के पद पर। भवन निर्माण होने तक ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय होगा सीएमएचओ कार्यालय। चिकित्सालय परिसर में डॉक्टर का हुआ भव्य स्वागत। श्रीगंगानगर के पदमपुर में बस के अनियंत्रित होने से हुआ बड़ा हादसा, 3 साइकिल सवारों को लिया चपेट में, 1 की मौके पर मौत, 2 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। श्रीगंगानगर के पदमपुर में विवाहिता ने 2 मासूम बच्चों के साथ डिग्गी में लगाई छलांग। घर में बनी डिग्गी में डूबने से मां और दोनों बच्चों की मौत, गृह कलेश बताया जा रहा है पूरे मामले का कारण। अजमेर की सागरमती नदी में डूबने से बुजुर्ग की मौत, ग्रामीणों की मदद से शव निकाला बाहर। पीसांगन थाना क्षेत्र के नथुथला की घटना, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। दौसा शहरी जल योजना संवर्धन के तहत पंप हाउस और 6 उच्च जलाशयों का हुआ शिलान्यास। कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने किया शिलान्यास, लोगों को जल्द मिलेगी पानी की समस्या से निजात। जम्मू रामगढ़ के ताला में बघेरे ने खेत पर काम कर रही महिला पर किया हमला, हमले में महिला गंभीर रूप से घायल, महिला का अस्पताल में इलाज जारी। चुरू के तारानगर में आपसी रंजिश को लेकर घर में लगाई आग, साहबा थाना का मामला दर्ज, पुलिस कर रही मामले की जांच। हिंडौन की जाटव बस्ती में ससुराल में संदिग्ध हालत में मिला रिटायर्ड जवान का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। पाली के सुमेरपुर के जवाई बांध में पानी की आवक लगातार जारी, जवाई बांध का गेज पहुंचा 58.25 फीट। जवाई बांध की कुल भराव क्षमता 61.25 फीट। बांध में पानी की आवक से किसानों के खिले चेहरे। श्रीगंगानगर के पदमपुर में डबल मर्डर से फैली सनसनी, युवक ने किया पत्नी और 13 साल के बेटे का मर्डर, धारदार हथियार से की हत्या, खुद ने भी कीटनाशक पदार्थ पीकर किया आत्महत्या का प्रयास, घरेलू विवाद बताया जा रहा है कारण। जालौर में हिंदू सेवा समिति ने किया नगर परिक्रमा का आयोजन, सैकड़ों शहरवासियों ने लिया हिस्सा, परिक्रमा में की गई शिव मंदिरों में पूजा अर्चना, पुलिस और प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। अलवर के हसनपुर गांव में दर्दनाक हादसा, गहरे कुएं में गिरी 13 साल की मासूम, खेत में पशु चारा लेने गई थी किशोरी, परिजनों ने ग्रामीणों से सहायता से कुएं से निकाला बाहर, घायल बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी। झालावाड़ के तारज में ग्रामीणों ने निकाली कांवड़ यात्रा, झारखंड महादेव से भक्त महादेव तक की पदयात्रा, डीजे की धुन पर नाचते हुए नजर आए श्रद्धालु। टोंक के देवली अमृत महोत्सव के तहत निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, भारी भीड़ के साथ निकली तिरंगा यात्रा, भारत माता वंदे मातरम के नारों के साथ मुख्य बाजार से निकाली यात्रा। टोंक के देवली में कंटेनर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में 1 बाइक सवार की मौत, 1 हुआ गंभीर रूप से घायल, राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर पर पनवाड़ के पास हुआ हादसा। नीमका थाना के गांव लादी का बास में पंचायती चुनाव का विरोध, गांव को पाटन पंचायत समिति में जोड़ने की मांग, परिसीमन के चलते अजीतगढ़ से जोड़ा गया गांव, ग्रामीण कर रहे विरोध। कोटपुतली के बहरोड़ में 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है भारत, स्कूलों में कार्यक्रम की तैयारियां पूरी, जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने लिया जायजा। अलवर के विभिन्न वार्डो में 37 करोड़ का निर्माण कार्य का शिलान्यास और कचरा संग्रहण के लिए आए नए ऑटो टिप्पर का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित। पुराना सूचना केंद्र में शहर नगर निगम द्वारा कार्यक्रम का किया आयोजन, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जैसलमेर के मोहनगढ़ में जमीन घोटाले को लेकर किसानों का 22वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी, किसान अपनी मांगों को लेकर तहसील के आगे कर रहे धरना प्रदर्शन, किसान मोर्चा भाजपा जिला अध्यक्ष हाथी सिंह ने किसानों का किया हौसला अफजाई।
डीडवाना में वीरवर दुर्गादास राठौड़ की 386वीं जयंती समारोह का आयोजन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की शिरकत। प्रताप फाउंडेशन के संयोजक महावीर सिंह सरवड़ी ने किया कार्यक्रम की अध्यक्षता। कोटा में सावन के पावन महीने में निकाली गई कांवड़ यात्रा। खेगड़ा शिवपुरी धाम से डडवाड़ा स्टेशन तक निकाली गई कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा में महिलाएं बुजुर्ग बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। जगह जगह कांवड़ यात्रा का हुआ स्वागत। टोडा भीम में भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नाबालिग से दुष्कर्म को लेकर विरोध प्रदर्शन। मुख्य चौराहे पर धरने पर बैठे कार्यकर्ता। करौली जिलाध्यक्ष ब्रजलाल टिकोलिया भी रहे मौजूद। जालौर के भीनमाल में बदमाशों ने की दो लोगों के साथ मारपीट। दुकान में घुसकर महिला के साथ की अभद्रता। गुस्साए ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। सीकर खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। सतरंगी फूलों से किया गया बाबा का मनमोहक श्रृंगार। सुरक्षा के चलते पुलिस जाप्ता रहा तैनात। उदयपुर से चलकर जयपुर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन का रायला में भव्य स्वागत। क्षेत्रवासी तिरंगे लेकर भारत माता के लगाए जयकारे। ट्रेन का ठहराव नहीं होने के बाद भी क्षेत्रवासियों में दिखा उत्साह। अलवर काली मोरी फाटक पर ट्रेन की चपेट में आई महिला। ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत। फाटक पार करके कंपनी बाग घूमने के लिए जा रही थी महिला की हुई मौत। जयपुर के विराटनगर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली गई विशाल तिरंगा बाइक रैली। शहीद महावीर यादव स्मारक से देशभक्ति के नारों के साथ हुई यात्रा प्रारंभ। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर के कृषि उपज मंडी में खड़े मिनी ट्रक में लगी आग। आग लगने से मौके पर मचा हड़कंप। घटना से मंडी समिति अनजान। पाली में तालाब में डूबने से युवक की मौत। मछलियों को दाना डालते समय पैर फिसलने से हादसा। सोजत सिटी थाना क्षेत्र के रामेलाव तालाब की घटना। धौलपुर में अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। रेत की ट्रॉली ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। दो गिरफ्तार। पुलिस की कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप। झालावाड़ में पुलिस की मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 किलो गांजा पकड़ा। बाइक समेत एक तस्कर को किया गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ के कपासन में पुलिस ने प्रताड़ना के आरोप में एक आरोपी किया गिरफ्तार। आरोपी ने एक नाबालिग लड़के के न्यूड फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। हैवाने से परेशान युवक ने पिता को सुनाई आपबीती। झालावाड़ में अपने पिता के साथ जा रही महिला पर पति ने कुल्हाड़ी से किया वार। घरेलू विवाद के चलते किया हमला। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। राजसमंद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 दर्जन अपराधियों किया गिरफ्तार। 8 नामचिन्ह हिस्ट्री शीटर। 12 असामाजिक तत्व। 7 स्थायी वारंटी गिरफ्तार। पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप। चोमू में फांसी लाकर युवक ने किया आत्महत्या। सूचना के बाद पुलिस पहुंची मौके पर। अभी तक आत्महत्या कारणों का नहीं हुआ खुलासा। सामोद पुलिस कर रही मामले की जांच। टोंक के गेरोटी गांव में मिला युवक का शव। जंगल में शव मिलने से पहली सनसनी। ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका। युवक के चेहरे और हाथ पर चोट के निशान। जोधपुर में न्यू पावर हाउस रोड पर मिला महिला का शव। मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम। प्रथम दृष्टया ट्रेन से कटकर मौत को बताया जा रहा है। राजसमंद के नाथद्वारा में शाही लवाजमे के साथ नगर भ्रमण पर निकले ठाकुर जी। ठाकुर जी की एक झलक पाने के लिए उमड़े भक्त। हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। सिरोही के गोपाल जी मंदिर से गोपेश्वर मंदिर तक निकाली जा रही है कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा का जगह जगह शहरवासियों ने किया स्वागत। साधु संतों के सानिध्य में निकाली जा रही कांवड़ यात्रा। झालावाड़ के खानपुर उपखंड में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन। पर्यावरण जागरूकता की निकाली गई रैली। 75 पौधों का किया गया रोपण। विद्यार्थियों ने ली पंच प्रण शपथ। जयपुर में प्रधानमंत्री के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तत्वावधान में रैली का आयोजन। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा बाइक रैली। भारतीय सेना बीएसएफ और सीआरपीएफ के उच्च अधिकारी भी शामिल। गंगापुर सिटी में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए किया गया रैली का आयोजन। पूर्व सभापति संगीता बोहरा के नेतृत्व में निकाली गई रैली। रैली का कई जगह किया गया भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी के महोत्सव को भव्य बनाने के लिए हर घर लहराया जाएगा तिरंगा। कोटा में इटावा नगर पालिका अध्यक्ष रजनी सोनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आमजन को तिरंगा किए वितरित।
केकड़ी शहर में छोटा तालाब को दिया गया सरदार पटेल सरोवर का नाम। 3,30,00,000 से किया गया तालाब का जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण। कैबिनेट मंत्री और विधायक डॉक्टर रघु शर्मा करेंगे सरदार पटेल सरोवर का विधिवत उद्घाटन। टोंक के देवली में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर हाथ में दिया और मोमबत्ती जलाकर लिया पंचप्रण प्रतिज्ञा। भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष मनोज शर्मा ने सभी को दिलवाई शपथ। सभी ने 2047 में विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए काम करने के लिए प्रतिज्ञा। श्रीगंगानगर में रोडवेज बस ने साइकिल सवारों को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत, दो गंभीर घायल। घायलों को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। पदमपुर मार्ग पर कोडिया वाली पुली के पास की घटना। टोंक के उंडियारा में स्कूल बालिकाओं को अपराधों के प्रति किया गया जागरूक। चाइल्ड केयर हेल्पलाइन नंबर 1098 का किया गया प्रचार। अपराधों में पुलिस का सहयोग करने की अपील। बनेटा थानाधिकारी नरेंद्र सिंह ने किया जागरूक। नीमका थाना में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सदस्यता अभियान संपन्न। क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी ताकत के साथ उभर कर सामने आने का किया दावा। राष्ट्रीय महामंत्री मनीष चौधरी ने की शिरकत। चित्तौड़गढ़ के कपासाना पंचायत समिति में शिविर की हुई शुरुआत। शिविर में पात्र लाभार्थियों को बांटे गए स्मार्टफोन। एक महिला लाभार्थी मोबाइल पाकर हुई भावुक। चित्तौड़गढ़ के कपासा में विधायक की मौजूदगी में भाजपा कार्यकर्ताओं में तनातनी। 2% कमीशन को लेकर विवाद। घटना का वीडियो वायरल, सच बेधड़क वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कोटा के खोडावदा में बालिका विद्यालय मनाया गया नो बैग डे। कार्यक्रम का विषय जीवन अनमोल है रखा गया। छात्राओं को दी सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी।